हेलो एवरीवन, जैसे हमने कल किया था कि हमने सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करना है, उसका प्रोसीजर कि कौन कैलकुलेट करके कौन सी अमाउंट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालनी है, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवाने जा रही हूँ अभी। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुनना। ओके, कैलकुलेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन From the following extract of receipt and payment account and additional information, compute income from subscription for the year ended 31st March 2019 and show it in the final accounts of the club. Final accounts means जो भी आपकी income and expenditure account होएगी और जो भी amount उसकी balance sheet में जाएगी वो। लेकिन हम सिर्फ अभी क्या calculate करने जा रहे हैं, सिर्फ subscription, ठीक है जी। आपको क्या होगा, आपको ऐसा एक क्वेश्चन आएगा रिसीट एंड पेमेंट, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी अमाउंट्स हैं, उनमें से आपको कहाँ पे शो करनी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये जो इनकम आ रही है टू सब्सक्रिप्शन, ये कौन सी इनकम है जो आपको शो करेगी कि द सब्सक्रिप्शन पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये जो था ना रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये वाली जो अमाउंट है वो कहाँ पर जाएगी, इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितनी अमाउंट है यहाँ पे, 1 लाख, ठीक है जी। अब हमने इसमें ऐड क्या क्या करना है और लेस क्या क्या करना है। ऐड क्या करना था हमने, यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, एज एट 31st मार्च 2018 मीन्स पिछला साल, एज एट 31st मार्च 2019 मीन्स करंट ईयर, ये करंट ईयर हो गया, ये लास्ट ईयर हो गया। और इसकी अमाउंट आगे क्या होती है, फॉरवर्ड होती है, तो इसकी अमाउंट क्या हो जाएंगी, बैलेंस ब्रॉड डाउन वाली हो जाएंगी, मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और ये कौन सी हो जाएंगी, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 20,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 40,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 30,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 20,000। सो हमने यहाँ पे ऐड क्या करनी है, कौन सी आउटस्टैंडिंग ऐड करनी है हमने, एट द एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स ऑन 31st मार्च 2019 कितनी है, 40,000। और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर है उसे हमने क्या करना है, लेस करना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितनी है, इतनी बिगनिंग 20,000, क्लियर। अब एडवांस, एडवांस इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर है वो क्या होगी, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग कितनी अमाउंट है, 30,000। और जो एट द एंड ऑफ द ईयर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितनी अमाउंट है हमारी, 20,000। इसका कितना टोटल हो गया, 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 इज 1,70,000। 1,70,000 माइनस 40,000 इज 1,30,000। तो दैट मीन्स ये जो सब्सक्रिप्शन है उसकी अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 1,30,000। ये हमारी इनकम होगी सब्सक्रिप्शन में से, क्लियर। ये अमाउंट जो हमने जो इनकम साइड पे शो की हुई है, यही अमाउंट हमारी, ये चीज़ जो है वो अगली जो भी आइटम्स होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे, उसमें ये हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्लियर।